This story is brought to you by tapeatale.com. मैं जब छोटा था तो माँ अक्सर कहा करती थी कि बेटा कभी तो हरी सब्जियाँ खा लिया करो, भिंडी, लौकी, टिंडा, करेला, न जाने कहाँ कहाँ से इतने खौफनाक नाम ढूंढ कर लाती और मुझे खिलाने की कोशिश करती। पर मैं तो इन सब्जियों के नाम से ही इतना खौफजदा हो रखा था कि इन्हें खाना तो दूर की बात, इनकी शक्ल तक से मुझे नफरत थी। एक मुद्दत बाद माँ ने भी बोलना छोड़ दिया और हरी सब्जियों से मेरी दूरी बढ़ती चली गई। पिताजी डॉक्टर हैं और सब्जियां खरीदने के बहुत शौकीन हैं, इतने कि बहन की शादी में हलवाई से ऑर्डर पर सब्जी मंगवाने की बजाय सुबह 4 बजे उठकर मंडी सब्जी लेने गए और मुझे भी साथ ले गए। उस दिन मुझे पता चला कि वेज झालफ्रेजी जैसी खूबसूरत नाम वाली सब्जी में भी भिंडी जैसी खौफजदा करने वाली सब्जी मिलाई जाती है। फिर क्या था, मेरा वेज झालफ्रेजी से भी रिश्ता टूट गया। कुछ सालों बाद जब मैं मुंबई में अकेला रहने लगा तो कैंटीन में अगर कभी भिंडी का जिक्र हो जाता तो मैं भूख से दोस्ती करना आसान समझता। पर जनाब, मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इश्क जब सुनामी बनकर जिंदगी में आता है तो सारे पुराने दरख्त साथ बह जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक मोहतरमा के लिए दिल में सिर्फ गिटार नहीं, पूरा ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। बहरहाल, बचपन में म्यूजिक टीचर की बात मान ली होती तो शायद सुर सही लग जाते और जिंदगी की उबली दाल में प्यार का तड़का भी लग जाता। अब मेरी हालत उस इंसान की तरह हो गई थी जिसे किसी ने स्टैचू तो किया पर ओवर बोलना भूल गया हो। अब मैं उससे बात बात पर मिलने के बहाने ढूंढने लगा और एक रोज़ उसी ने मुझे कहा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम कहीं डिनर पर चलेंगे। ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, इस हम में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे, मैं, वो और हमारी एक कॉमन फ्रेंड। कोई बात नहीं, मैंने कहा, ऐसा भी ठीक है। पर ना मिलने का कभी प्लान बना और ना कभी वो डिनर हो पाया। एक रोज़ मैं किसी शूट पर था, शूट से जस्ट निकला ही था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बेहद भूखा था कि मेरी उस कॉमन फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया और उसने बोला कि वो उस लड़की के घर पर है और मैं वहाँ आकर उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मौका अच्छा था, मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद मेरी कॉमन फ्रेंड ने मुझे पूछा कि तुमने सुबह से कुछ खाया है क्या, जिसका मैंने जवाब दिया कि मुझे टाइम नहीं मिला। और इस पर मोहतरमा भड़क गईं। उन्होंने बोला, कैसे टाइम नहीं मिला, बहुत बड़े आदमी हो गए हो अब तो तुम। सुनो, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ, भिंडी खा लेते हो ना। भिंडी, ये समझ लो उस समय स्टैचू ने बस सर हिला दिया, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा देखकर ना बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिस इंसान ने बचपन से भिंडी से शिद्दत से नफरत निभाई थी, वो उस रोज़ भिंडी के साथ 4 पराठे कैसे खा गया किसी को नहीं पता। खैर, अगर आज की भाषा में कहूँ तो भले ही उसने मुझे लेफ्ट स्वाइप क्यों ना किया हो, भले ही उसका मेरा सुपर मैच ना हो पाया हो, पर मुझे मेरी ज़िंदगी का परफेक्ट मैच ज़रूर मिल गया, भिंडी। उसका ना हो पाने का गम मैं लफ्ज़ों के मसालों से छुपा लिया करता हूँ। जब भी उसकी याद आती है, 4 पराठे और भिंडी खा लिया करता हूँ। इस पूरे किस्से से मैं और कुछ सीखा या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना ज़रूर सीख गया कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्यार खुद ब खुद आपको बदल देता है।